अगर आप आरसीसी का जो कॉलम है, जैसे कि आप फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, या फिर आरसीसी जो कॉलम होता है, फुटिंग होता है, स्लैब होता है, उसके साथ में आप घर बनाना चाहते हो, तो उसमें कितना खर्चा आता है? काफ़ी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि सर हमें कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग बना रहे हैं, तो उसमें कितना खर्चा आता है। एक वीडियो में बनाया था कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाते हैं, या फिर उस बेस पे आप 500 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट का घर बनाना चाहते हो, तो आसानी से कितना खर्चा आएगा उस बेस पे आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर 1000 फीट का निकाल सकते हो तो 400 स्क्वायर फीट का भी निकाल सकते हो। सिंपल 400 से उसको भाग कर देना है, ठीक है, या फिर उसी बेस पे जो आइटम रेट होता है उसी बेस पे आप निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम हम बनाते हैं तो उसमें कितना खर्चा आता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो उसमें आप कॉलम, बीम और फुटिंग ले रहे हैं, जिसमें स्टील रिक्वायरमेंट भी आएगा, तो उसमें आप कितना बनाएंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं ब्रिक। तो ब्रिक का रिक्वायरमेंट कितनी आती है? तो सबसे आती है 9300 ब्रिक, मतलब 9300 उसमें ब्रिक की क्वांटिटी आएगी, प्लस क्वांटिटी आएगा अगर पर 100 स्क्वायर मीटर, अगर 100 स्क्वायर मीटर अगर मेजरमेंट आप प्लॉट की जो कर रहे हो छत की 1000 स्क्वायर फीट से, तो उसमें जो मेटेरियल लगने वाला है वो आपका 10000 ब्रिक्स लगने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद हम सीमेंट की बात करते हैं, तो सीमेंट आपका 400 बैग, तो मिनिमम आपके 400 बैग लगेंगे, जिसमें आपके फुटिंग के, कॉलम में और स्लैब में लगने वाला है। ये जस्ट ओनली क्या है, सिंगल फ्लोर का बिल्डिंग का है, ठीक है, तो वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट रहेगी 400 बैग। उसके बाद हमारा जो क्वांटिटी है पर निकालते हैं पर 100 स्क्वायर मीटर, अगर आप 100 मीटर स्क्वायर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपका 400 बैग आपके लगने वाले हैं, ठीक है, 450 बैग। उसके बाद आप स्टील की बात करते हैं तो 3500 से आपका 4000 kg का आपका लगने वाला, मतलब आपकी 35 मंडल से 40 मंडल के बीच में आपके लगने वाले हैं स्टील में, जैसे कि फुटिंग में हो जाता है, उसके बाद कॉलम हो जाता है, उसके बाद स्लैब हो जाता है, बीम हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपका इतने मिनिमम आपका स्टील लगने वाला है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्वांटिटी पर स्क्वायर मीटर में, अगर आपका प्लॉट है स्क्वायर मीटर का, तो उसमें 4000 से 4500 kg स्टील लगने वाला है, मतलब 40 मंडल से 45 मंडल आपका स्टील लग जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एग्रीगेट। अगर आपके एग्रीगेट की बात करें, जैसे आपका जो 1000 स्क्वायर फीट का है तो उसमें एग्रीगेट कितना लगेगा, तो उसमें आपका 1100 CFT, मतलब 1100 क्यूबिक फीट एग्रीगेट, जिसमें फुटिंग में भी लगता है एग्रीगेट, आपका बीम के अंदर लगता है, कॉलम के अंदर लगता है, स्लैब में भी एग्रीगेट लगता है आपका। उसके बाद आपका अगर हम बात करते हैं क्यूबिक मीटर में, तो 34 क्यूबिक मीटर आपका एग्रीगेट लगने वाला है। तो फाइन सैंड प्लस सैंड, तो दोनों का सैंड आ जाता है आपका, ये जो फाइन सैंड आपका ओनली आप किस में यूज करते हो, प्लास्टर के अंदर, और सैंड आपका ब्रिक मेजनरी के अंदर, प्लस आपका फुटिंग के अंदर, बीम के अंदर, स्लैब के अंदर, जिसमें आपका जो मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, जो मिक्सचर कंक्रीट होता है, तो उसमें 1500 CFT लगने वाला है आपका एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड, सॉरी, ठीक है। तो 45 क्यूबिक मीटर लगेगा आपका, 45 क्यूबिक लगने वाला है आपका 100 क्यूबिक मीटर के अंदर। अगर टाइल्स की बात करते हैं तो 1300 स्क्वायर फीट, तो हमारा 1000 स्क्वायर फीट का है तो लगने वाली हमारे 13 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर उसमें स्कर्टिंग आ जाती है, अगर आप बाथरूम के अंदर जाते हो तो 4 फीट तक उसमें बाथरूम में हाइट में लगा सकते हो टाइल्स। उसके बाद करते हैं 130 स्क्वायर मीटर, तो 130 स्क्वायर मीटर लगने वाला है हमारा 100 स्क्वायर मीटर के अंदर। अगर हम पेंट की बात करते हैं तो 180 लीटर आपका पेंट लगने वाला है, तो 180, ठीक है। तो उसके बाद करते हैं हम कॉस्ट के बारे में कि कितना खर्चा आएगा। अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो ब्रिक्स हमारा 7 रुपये, अगर एक ईंट का जो खर्चा आता है उसका लगभग 7 रुपये आता है, तो यूनिट हमारे कितना है पर ब्रिक्स में आएगा, तो क्वांटिटी हमारी 9300 ब्रिक्स है, तो इतना हमारा खर्चा आने वाला है उसमें। उसके बाद हम सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट में हमारा 380 रुपये खर्चा आ जाता है, तो यूनिट हमारे पास है बैग्स के अंदर, तो सीमेंट कहीं में निकालते हैं हम बैग के अंदर, तो कितना 400 बैग हमारे यहाँ पे लगने वाले हैं, तो 400 बैग लगने वाले हैं, एग्रीगेट हमारा 1100 लगने वाला है, वो हम क्वांटिटी लिखते चले जाएंगे, उसके हम अमाउंट में लिखते आएंगे, ठीक है। स्टील हमारा 48 रुपया मार्केट में, जो भी पता करेंगे कि कितना केजी पर केजी चल रहा है, तो पर केजी का हम हिसाब से लेंगे तो वो हमारा 3800 आएगा, तो 3800 kg की रिक्वायरमेंट आ रही है, एवरेज मैंने यहाँ पे ले लिया है 3800 1000 स्क्वायर फीट के लिए, तो यहाँ पे 3800 मिनिमम एवरेज लिया है, तो इसका जब हम दोनों से गुना कर लेते हैं तो 182400 कॉस्ट आ जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद हम एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट अगर मार्केट में जाते हैं तो पर स्क्वायर फीट कितना आ जाता है, पर क्यूबिक फीट सॉरी, तो पर क्यूबिक फीट का मार्केट में पता करेंगे तो कितना रेट चल रहा है, तो वहाँ पे 45, जो भी आपका, ये अलग अलग रेट भी हो सकता है आपके अलग अलग एरिया के अंदर, तो
तो वो क्वांटिटी 1100 क्यूबिक, ये क्या है टोटल क्यूबिक फीट हमारा मेटेरियल क्वांटिटी रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो अमाउंट आ जाता है टोटल 49,500 हमारा एग्रीगेट पे खर्चा आने वाला है। ये क्या बता रहा हूँ मैं, 1000 स्क्वायर फीट के लिए, ठीक है। तो ये आप 1000 स्क्वायर फीट में हमारे लगने वाला है हमारा इतना मेटेरियल। उसके बाद हम सैंड की बात करते हैं, अगर सैंड हम लगने वाला है तो 3,300 रुपया पर CFT, तो यहाँ पे हम यूनिट में निकाल लेंगे पर CFT में, और टोटल अमाउंट जो क्वांटिटी लगने वाला है हमारा 1500। तो अगर हम एक CFT का इतना रेट चल रहा है पर क्यूबिक फीट का इतना रेट है, तो टोटल क्वांटिटी में हमारा कितना रेट आएगा, तो 64,000 हमारा बदरपुर में खर्चा आने वाला है। उसके बाद हम टाइल्स की बात करते हैं, अगर टाइल में आप मार्केट में पता करने जाएंगे तो 55 है, 20 भी है, 33 भी है, जो भी मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं वहाँ पर, तो वो हमारा तो पर स्क्वायर फीट हमारा कॉस्ट की पता करेंगे तो पर स्क्वायर फीट में कितना कॉस्ट है टाइल का। अगर वहीं आप मार्बल के अंदर जाएंगे तो मार्बल में भी आपका लगभग 100 रुपया से स्टार्ट हो जाता है, 40 से भी है, 40 से स्टार्ट हो जाता है, 40, 100, 50 मिनिमम अच्छा क्वालिटी है तो मीडियम क्वालिटी में जाता है 100 में, उसके बाद हमारा 300 में पहुँच जाता है, तो वो हमारा 71,500 में पर स्क्वायर फीट का आपका कॉस्ट आने वाला है। वहीं हम पेंट की बात करते हैं, 300 पर लीटर का अगर हम पेंट लेने जाएंगे तो वो अलग अलग क्वांटिटी का अलग अलग रेट आता है, तो वो पर इतना रेट आएगा। तो मिनिमम आपका 180 लीटर लगने वाला है 1000 स्क्वायर फीट में, तो वो हमारा 54,000, तो इतना कॉस्ट आएगा। तो टोटल अमाउंट की हम यहाँ पे निकाल लेते हैं तो 6,39,000, तो मिस्ट मीन आपका लगभग 6,500 आपका मेटेरियल पर आपका खर्चा आने वाला है 1000 स्क्वायर फीट के लिए, जिसमें आपका ब्रिक सैंड, स्टील एग्रीगेट, फाइन सैंड लगने वाला है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।